क्या आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में दिखाई नहीं दे रही है? गूगल ने हाल ही में एक बड़ा चेंज किया है जो आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को छुपा सकता है। क्या है ये चेंज और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये बात करेंगे आज के स्पेशल वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम तिवारी फ्रॉम tiwari.net। आज की वीडियो में हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस के एक नए रैंकिंग सिग्नल की बात कर रहे हैं जो आपकी लिस्टिंग की रैंक को तुरंत अफेक्ट कर सकता है, तुरंत ही पलक झपकते। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल या फिर गूगल माई बिजनेस, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, इसमें कई सारे रैंकिंग सिग्नल होते हैं, लाइक टाइटल में कीवर्ड, लैंडिंग पेज में पिक्चर, लोकेशन में यूजर, लिस्टिंग में रिव्यूज एंड सो ऑन। इनफैक्ट आपकी लिस्टिंग की रैंक इस बात पर भी डिपेंड करती है कि पीक आर में आपकी लोकेशन तक पहुंचने में किसी सर्चर को कितना टाइम लग सकता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल मैप्स का पार्ट है और वही पूरी दुनिया को रास्ता और अराइवल टाइम दोनों बताता है। सो वो ऑब्वियसली इस अराइवल टाइम वाले फैक्टर को रैंकिंग सिग्नल में काउंट कर सकते हैं, बट काफी टाइम से गूगल ने कोई नया रैंकिंग सिग्नल लॉन्च या रिवील नहीं किया था। बट हाल ही में 16 दिसंबर को गूगल ने ट्विटर पर ओपननेस नाम के नए रैंकिंग सिग्नल के बारे में बात की, उसे रिवील किया। रिवील वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि गूगल के हिसाब से ये ओपननेस रैंकिंग सिग्नल नया नहीं है, बहुत पहले से गूगल इसे यूज कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट बढ़ाया गया है, अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैंकिंग सिग्नल हो गया है। So, आखिर ये ओपननेस रैंकिंग सिग्नल क्या है, इसको देखने के लिए हम जाते हैं एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, सर्च करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लिस्टिंग का यहां पर टाइम दिखाई दे रहा है, आपको ओपन होने का टाइम दिखाई दे रहा है और क्लोज होने का टाइम दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन हर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मिलता है। आपको अपनी लिस्टिंग पर भी अपनी लिस्टिंग को ओपन करने और क्लोज करने का टाइम देने का ऑप्शन इस तरह से मिलता है, हर लिस्टिंग के पास होता है। नाउ ये जो ओपननेस रैंकिंग सिग्नल है, ये क्या करता है कि अगर आपकी लिस्टिंग के ओपन होने और क्लोज होने के टाइम से बाहर, लेट से कि ये लिस्टिंग 7 बजे बंद हो जाने वाली है, बिजनेस 7 बजे बंद हो जाएगा, तो अगर कोई यूजर 7:30 बजे इस लिस्टिंग के कीवर्ड को सर्च करता है तो गूगल इस लिस्टिंग को सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाएगा, टॉप रैंक में नहीं दिखाएगा, बल्कि किसी और बिजनेस को दिखाएगा जो उस वक्त पर ओपन हो। मतलब समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग अपने कीवर्ड के लिए टॉप रैंकिंग लिस्टिंग है, राइट, बट जिस वक्त यूजर सर्च कर रहा है उस वक्त आपकी लिस्टिंग एक्चुअली में क्लोज है, तो आपकी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में टॉप रैंक पर नहीं दिखाई देगी बल्कि नीचे कहीं पड़ी होगी। उस वक्त जो भी बिजनेस ओपन है सिर्फ वही दिखाई देगा। So, यही है ओपननेस रैंकिंग सिग्नल, जिसमें आपकी लिस्टिंग की रैंक इस बात पर डिपेंड करेगी कि सर्च कर रहे यूजर के सर्च करने के टाइम पर आपकी लिस्टिंग ओपन है या फिर क्लोज है। नाउ इस रैंकिंग सिग्नल का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इस रैंकिंग सिग्नल का इंपैक्ट 3 लोगों के ऊपर पड़ेगा, नंबर 1 सर्च कर रहे यूजर के ऊपर, नंबर 2 बिजनेस ओनर के ऊपर और नंबर 3 लोकल एसईओ या एसईओ एजेंसी के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्च करने वाले यूजर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। लेट से कि एक यूजर है जो कल को दूसरे दिन डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहता है और वो देखना चाहता है, हर किसी के पास दिन में टाइम नहीं होता है, वो ये रात में ही डिसाइड करना चाहता है कि आखिर मुझे अपने आसपास के किस डेंटिस्ट को कल विजिट करना है, उसे अपनी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करना है। नाउ अगर वो रात में सर्च करता है तो उसे टॉप रैंकिंग बिजनेस नहीं दिखाई देगा बल्कि उसे वो बिजनेस दिखाई देगा, वो डेंटिस्ट दिखाई देगा जो उस वक्त ओपन है, बाकी सारी लिस्टिंग्स को डाउनवर्ड कहीं पड़ी हुई दिखाई देंगी। नाउ ये अपने आप में एक रिस्की चीज हो सकती है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस 24/7 ओपन होता है वो सबसे अच्छा भी हो। लोग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के रिजल्ट पर इसलिए भरोसा करते हैं बिकॉज अच्छे बिजनेसेस ही टॉप रैंक पाते हैं। तो इस सिनेरियो में जो यूजर है उसको सबसे अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा बल्कि वो बिजनेस मिलेगा जो उस वक्त पर ओपन है। नाउ अगर बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अपने आप में एक रिस्की चीज है, बिकॉज अगर यूजर को 24 आवर्स आपकी लिस्टिंग दिखाई नहीं दे रही है तो हो सकता है कि रिसर्च फेस में, जैसा कि अभी मैंने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया, रिसर्च के फेस में आपका बिजनेस ना दिखाई दे और आप थोड़ी बहुत लीड को लूज कर दें। नाउ इस नए रैंकिंग सिग्नल का जो तीसरा इंपैक्ट पड़ता है वो एसईओ के ऊपर या एजेंसी के ऊपर पड़ता है। लेट्स से कि आपने अपनी रिपोर्ट बनाई और आपने बड़ी खुशी से अपने क्लाइंट की जो रैंक है वो प्रूव करके दिखा दी कि हम नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं, बट क्लाइंट अपने बिजनेस को बंद करने के बाद, ऑब्वियसली अपने काम के बीच में कोई भी क्लाइंट नहीं चेक करना चाहेगा, अपने बिजनेस को बंद करने के बाद घर पर जाकर आराम से रैंक चेक करते हैं और रैंक कहीं पर नहीं दिखाई देती है, दिस कैन क्रिएट कंफ्यूजन। सो एज एजेंसी या एज एसईओ अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट में प्रूव कर रहे हैं कि उनकी लिस्टिंग की रैंक टॉप 3 में से एक है बट उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट्स बार बार कंप्लेंट कर रहा है कि उन्हें उनकी लिस्टिंग एक्चुअली में टॉप 3 रैंक के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, तो एक बार चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट अपने लिस्टिंग के क्लोज होने या ओपन होने के टाइम के बाहर जाकर उस लिस्टिंग को चेक कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को चेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने बिजनेस की रैंक अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। नाउ इस प्रॉब्लम को सरकमवेंट
करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए बहुत सारी एजेंसीज और हो सकता है क्लाइंट्स भी ये सोचे कि उन्हें अपने बिजनेस का जो टाइम है, ओपन और क्लोज होने का टाइम, इसे 24/7 कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर अपने लिस्टिंग की टाइमिंग को 24/7 कर लेते हैं तो एक्चुअली में उनकी लिस्टिंग हमेशा रैंक कर सकती है। बट ये थॉट गलत होगा, बिकॉज देन आप गूगल माई बिजनेस की जो क्वालिटी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल मैप्स का पार्ट है और गूगल मैप्स का पार्ट होने की वजह से गूगल को पता है अच्छी तरीके से कि आपका बिजनेस किस टाइम पर ओपन होता है, किस टाइम पर क्लोज होता है, और इनफैक्ट वो ये भी जानते हैं कि किस टाइम पर आपके बिजनेस लोकेशन पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं। That's how वो किसी भी लिस्टिंग के साथ में बिजी आर्स वाली जो डिटेल है इस तरह की वो दिखा पाते हैं। सो आपको इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन अपनी लिस्टिंग के साथ में ऐड नहीं करनी चाहिए, वरना गूगल आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर सकता है। और सस्पेंशन के बाद, इस तरह के सस्पेंशन से बाहर निकलने के लिए आप रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। नाउ एज एन SEO, अगर आपके बिजनेस लिस्टिंग या आपके क्लाइंट के बिजनेस लिस्टिंग के कंपेटिटर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहां पर वो 24/7 रॉन्ग टाइमिंग देकर अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आपकी लिस्टिंग को नुकसान कर रहे हैं, तो आप ऐसे बिजनेसेस की बिजनेस रिट्रेसल फॉर्म को यूज करके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जिससे गूगल उनकी लिस्टिंग के टाइम को एडजस्ट कर दे, सही कर दे, और आपके क्लाइंट को नुकसान ना उठाना पड़े। वरना क्लाइंट का नुकसान होगा तो सबसे पहले वो मार्केटिंग एजेंसी का ही नुकसान करेगा। तो अपने क्लाइंट की लिस्टिंग को सेव रखिए, उन्हें प्रमोट करिए और इस ओपननेस रैंकिंग सिग्नल को सही से यूज करिए। So, ये था गूगल माई बिजनेस का नया रैंकिंग सिग्नल ओपननेस। आई होप कि आप इस ओपननेस रैंकिंग सिग्नल को बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर इस रैंकिंग सिग्नल के बारे में या किसी और रैंकिंग सिग्नल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।